नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा मोबाइल कवर लाई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम मूल्य में बन के तैयार हो जाता है। इसे आप अपने फ्रेंड दोस्तों के लिए, अपने खुद के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए बना सकते हैं। आप इसे गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मोबाइल कवर बनाते हैं। सबसे पहले हम सिलाई में 6 फंदे डाल लेंगे। अब हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं, तो ऐसे सीधे की तरफ से ऐसे हमने डाला और इस धागे को, जो हमारा वर्किंग थ्रेड है, उसे इसे हमने सिलाई के ऊपर ऐसे कर लिया। जैसे हम जाली डालते हैं तो वैसे हम इसको ऐसे कर लेंगे और फिर सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब हम दूसरी तरफ हैं। अब फिर हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है। इसे सीधे की तरफ से ऐसे डाला और ये जो हमारा धागा है इसे घुमाकर सिलाई के ऊपर ऐसे ला देंगे। ये हमें, जैसे हम जाली डालते हैं तो वैसे सिलाई के ऊपर ऐसे लाएंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमें दोनों तरफ से ऐसे ही करना है, यानी हमने दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ा दिए। इस साइड भी ये जाली हमारी पड़ गई और इस साइड भी ये जाली हमारी पड़ गई। तो दोनों तरफ हमने एक एक फंदे बढ़ा दिए। अब देखिए फिर से अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है। ऐसे सीधे की तरफ से सिलाई डालेंगे, उनको घुमाकर सिलाई के ऊपर ऐसे ला देंगे और सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से देखिए, ऐसे सीधे की तरफ से सिलाई डालेंगे, उनको घुमा के सिलाई के ऊपर से ऐसे ला देंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हर लाइन में हमारा एक फंदा बढ़ जा रहा है, सीधे की तरफ से भी और उल्टे की तरफ से भी। दोनों साइड से हमारे एक एक फंदे बढ़ जा रहे हैं। तो देखिए, ये दो सीधे उल्टे फंदों की धारियां हो गई, यानी हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। हमने 6 फंदे से शुरू किया था और देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 4 फंदे बढ़ गए। तो 5वीं लाइन में देखिए हम क्या करेंगे। ऐसे सीधे की तरफ से डालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद अब बीच के हम 4 फंदों को घटा देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। अब इस फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, अगले फंदे को भी एक साथ ले लेंगे, 2 फंदों को लिया और सीधा बुनते हुए 2 का 1। तो 2 फंदा घट गया, फिर इसे बाएं सिलाई में चढ़ाया, 2 फंदों को लिया, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर इसे बाएं सिलाई में चढ़ाया और सीधा बुनते हुए 2 का 1। अब देखिए, 2 फंदे ये हैं और 1 फंदा ये, यानी कि हमारे 4 फंदे घट गए। अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से, तो सभी फंदे हमें सीधे बुनने हैं। सीधे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, उनको सिलाई के ऊपर से ऐसे चढ़ा के लाएंगे, तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे को घटाया था, तो अब हम 4 फंदे बढ़ाएंगे, 1, 2, 3 और 4, और शेष फंदों को अब इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बटन होल बन के तैयार हो जाएगा और हमें दोनों तरफ से जाली, हर लाइन में हमें दोनों तरफ से जाली देना है, यानी एक एक फंदे बढ़ाते जाने हैं। अब देखिए, इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। अब फिर हमें दोनों साइड से जाली देना है और तब तक देना है जब तक कि हमारे 24 फंदे कंप्लीट ना हो जाएं। हमें
दोनों तरफ से जाली देते, पहले जाली देना है फिर सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। देखिए जाली देने से ये देखिए ये खूबसूरत सा बनता चला जाता है। पहले हम जाली देंगे, जाली के लिए हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो 24 फंदे करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 24 फंदे ये कंप्लीट हो गए हैं और अब हमें दोनों साइड में फंदे बढ़ाने नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पे बुनाई करना शुरू करेंगे। अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे, दो फंदा सीधा बुन लेंगे, दो फंदा सीधा बुना, तीसरे फंदे को स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट दो फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा, तीसरे फंदे को स्लिप, दो फंदा सीधा, तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इसी तरह दो फंदा सीधा बुनते हुए और तीसरे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दो फंदे को सीधा बुनते हुए, तीसरे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे। ये देखिए दो सीधे फंदे, तो इन्हें हम वापस सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा, बुने हुए फंदे सीधे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, ले लेना है, उसके पहले उनको हमें अपनी ओर कर लेना है। अब उन दूसरी ओर ये दो बुने हुए फंदे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, अब उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे सीधे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर अपने प्राइमरी कलर से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट दो फंदे बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये दो हम फंदे जो हमने सीधे बुने, तो पहले वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और फिर ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा और उसके पहले वाला फंदा, इन दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा, उसके पहले वाला फंदा, ये दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। बुने हुए दो फंदों में से पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा और स्लिप किया हुआ फंदा, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा और स्लिप किया हुआ फंदा, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। ये पहला फंदा है, इसे हमें स्लिप करना है, दूसरे फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, इन दो फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो दो फंदा सीधा बुनते हुए और तीसरे फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे। तो देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और देखिए बुने हुए दो फंदों में से ये पहला फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है, फिर ये दूसरे फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, इसे इन दोनों को हमें सीधा बुनना है। पहले फंदे को स्लिप करना है, दूसरे फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा, पहले फंदे को स्लिप करना है, दूसरे फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनना है। तो तीन फंदों का ये डिजाइन है, दो फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है। हमें बस ये ध्यान देना है कि कौन सा फंदा हमें स्लिप करना है और कौन सा फंदा सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो दो लाइन का और तीन फंदों का डिजाइन है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन स्पष्ट हो गया होगा। तो इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए हम लंबाई पूरी
करेंगे। तो लंबाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ।